टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है चौथे टेस्ट मैच में, और ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि टीम इंडिया अंडर प्रेशर थी इस मुकाबले में। अगर हम 2 दिन की बात करें, शुरुआती 2 दिन इंग्लैंड के नाम रहे, लेकिन उसके बाद में टीम इंडिया ने ऐसी वापसी की कि मुकाबला जो है जीत लिया 5 विकेट से। यानी चौथी इनिंग में भी अगर आप देखें तो 120 रनों पर 5 विकेट टीम इंडिया ने खो दिए थे, लेकिन उसके बाद में ध्रुव चुदेल और शुभमन गिल के बीच में पार्टनरशिप हुई, और ऐसी पार्टनरशिप हुई कि वो अभिजीत रही और ये मुकाबला जो है 5 विकेट से जिता दिया यहाँ पे शुभमन गिल और ध्रुव चुदेल की पार्टनरशिप ने। और जिस तरीके से टीम इंडिया खेली है, और बिल्कुल ऐसी टीम खेली है, यंग टीम खेली है टीम इंडिया की, और इस टीम ने दिखाया है कि यहाँ पे इंडिया को हराना इंडिया में इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे थे। आप बेसबॉल जरूर खेल रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे बेसबॉल खेलने की, लेकिन बेसबॉल आपका बिल्कुल धराशायी हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं चला आपका। क्योंकि उसके बाद में जो रूट की बल्लेबाजी आप देखें तो रूट की बल्लेबाजी बिल्कुल बेसबॉल से बिल्कुल अलग थी। तो यहाँ पे बेसबॉल तो तभी छूट गया था जब तीसरा मुकाबला जो हारी थी इंग्लैंड की टीम 434 रनों से। तो यहाँ पे टीम इंडिया की तारीफ करनी बनती है, और खासकर मैं उस युवा खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ ध्रुव चुदेल के बारे में, जिस तारीफ किया उतनी कम है, क्योंकि इस सिचुएशन में से निकाला उस खिलाड़ी ने जिस तरीके से टीम इंडिया को। देखिए, जब पहली पारी हो रही थी तो पहली पारी में टीम इंडिया 177 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी, उसके बाद में 353 जब आपको चाहिए इंग्लैंड के स्कोर करीब पहुंचना था, तो वहां पे पार्टनरशिप करी कुलदीप यादव के साथ में और 90 रनों की पारी खेली। उसके बाद में दूसरी पारी में जब सिचुएशन ऐसी आ गई थी 120 पे 5 हो गई थी इंडिया की, उसके बाद में फिर ध्रुव चुदेल जैसा फिर से जो है 39 रनों की पार्टनरशिप करेगा शुभमन गिल के साथ में। तो ये दिखाता है कि इस खिलाड़ी में कुछ ना कुछ तो खास है, और इस खास के काबिलियत की वजह से यहाँ पे इस मुकाबले में इंडिया को जिता दिया है। इंडिया जो है 5 विकेट से जीत गई है इंग्लैंड से, और 3-1 से सीरीज जीत ली है, और लगातार 10 सालों में अजय रही है अभी तक, और 10 सालों से सीरीज हारी नहीं है, 12 साल हो गए हैं अब। लेकिन उसके बाद में ये देखिए आप, ये सीरीज बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है ये, क्योंकि रोहित शर्मा जो है अकेले ऐसे कप्तान रहे थे या फिर अकेले खिलाड़ी रहे थे जिनको 50 ज्यादा जो एक्सपीरियंस है मैच खेलने का, अश्विन और जडेजा थे, उसके अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था। देखिए आप जयसवाल को देख लीजिए, 10 से कम टेस्ट मैच खेले उन्होंने, शुभमन गिल ने 20 टेस्ट मैच खेले, उसके अलावा अगर सरफराज खान जो है वो 2 मैच खेले हैं इससे, अपने डेब्यू किया, पाटीदार ने डेब्यू किया इसमें, आकाशदीप ने डेब्यू किया, और मोहम्मद सिराज ने भी 12-15 मैच खेले हैं, तो इतने मैचेस नहीं खेले। तो लेकिन टीम इंडिया ने करके दिखाया है, टीम इंडिया ने दिखाया है कि वो इंडिया में कितनी डोमिनेट टीम है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार।